मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उन्नाव आई हूँ, क्योंकि पंकज गुप्ता जी के बारे में मैंने इतनी तारीफ सुनी है सब लोगों से कि कोरोना के दिनों में भी उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है। और जब मुझे कहा गया कि उन्नाव आना है तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं दिल से ये चाहती हूँ कि भाजपा में सभी अच्छे लोग हैं जो अपने पूरे मन से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंकज गुप्ता जी मुझे इसलिए ज़्यादा भाते हैं क्योंकि बहुत सरल स्वभाव के हैं। और आज भी देखिए, रैली जब हमने की, इतने लोग मतलब उनसे खुश हैं, प्रभावित हैं और फूल फेंक रहे थे। मतलब नज़र आता है कि जो दो टर्म में जो विधायक आ चुके हैं वो तीसरे और चौथे और पांचवे टर्म में भी आएंगे, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे यहाँ आने से उनको और ज़्यादा वोट से उनकी जीत हो। जीत तो हो ही की होगी, लेकिन ज़्यादा वोट से उनकी जीत हो, यही मेरी मेरी आशा है और मेरे आशीर्वाद है उनके लिए। और कमल तो यूपी में खेलेगा ही खेलेगा, तो बस अभी आई थिंक इंतज़ार सिर्फ हमें इलेक्शन रिजल्ट्स का है। मतलब जनता से क्या अपील करना चाहती हूँ? बस जनता से मैं हमेशा यही कहना चाहती हूँ कि जब कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो आप जाइए और ज़रूर वोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत बार देखा जाता है कि कोई ना कोई कारण से लोग जाते ही नहीं है वोट देने के लिए, जिसकी वजह से या तो इंडिपेंडेंट जीत जाता है या इंडिपेंडेंट वोट लेके जाता है या फिर दूसरी कोई पार्टी वोट का बंटवारा हो जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि जब इंसान अच्छा काम कर रहा है, आपके देश में अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो आप जाइए और उनके लिए वोट करिए और साइलेंट मत रहिए ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये आपका कंट्री है या आपका देश है। अगर आप इसमें अगर जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही हमारा देश जल्दी से आगे बढ़ेगा।